चैप्टर 7 मूवमेंट ऑफ द अर्थ पृथ्वी की गतियां। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न दैट द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी एंड दैट इट हैज इट्स ओन मूवमेंट। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी स्थिर न होकर गतिशील है। बिसाइड मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस द अर्थ ऑल्सो मूव अराउंड द सन। पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी अपने स्थान पर घूमने के साथ ही सूर्य का चक्कर भी लगाती। लेट अस अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। पृथ्वी कैसे घूमती है, आइए इसे एक एक्सपेरिमेंट प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। एक्सपेरिमेंट। यू मस्ट हैव सीन ए रोटेटिंग टॉप क्लोजली ऑब्जर्व एज टू हाउ द टॉप इज मूविंग। स्टूडेंट्स आप एक ये देख रहे हैं, ये दो पिक्चर्स हैं, वो किसके पिक्चर है, लट्टू की पिक्चर, और ये लट्टू जो है किस तरह से घूम रहा है, ये लट्टू जो है एक नीडल्स पर घूम रहा है। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले हमें क्या लट्टू लेना होगा, और लट्टू ऐसा खिलौना है जो पहले बच्चे बहुत इसे खेला करते थे और इसे घुमाया करते थे। लट्टू लीजिए और इसे घुमाइए और ध्यान से देखिए कि लट्टू कैसे घूम रहा है। बच्चों आपको इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि लट्टू किस प्रकार से घूम रहा है। जस्ट एज द टॉप स्पिन ऑन इट्स नीडल एंड मूव्स इन ए सर्कुलर मूवमेंट आवर अर्थ ऑल्सो स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑल्सो मूव अराउंड द सन इज एन इलोंगेटेड सर्किल। जिस तरह से लट्टू अपनी कील पर घूमता है और साथ ही साथ एक अंडा का चक्कर भी लगाता है, ठीक इसी तरह हमारी पृथ्वी भी अंतरिक्ष में अपनी धुरी पर घूमती है। थस वी सी दैट द अर्थ हैज टू मूवमेंट्स। इस प्रकार पृथ्वी की दो गतियां होती है, रोटेशन और डेली मूवमेंट, घूर्णन अथवा दैनिक गति, रेवोल्यूशन और ईयरली मूवमेंट, परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। रोटेशन मीन्स घूर्णन गति। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी अपनी धुरी अथवा अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन। द पीरियड ऑफ द रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। इसी कारण इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। रेवोल्यूशन मीन्स परिक्रमण गति। वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ मूव्स फॉरवर्ड एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ एक अंडाकार मार्ग पर सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। इन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ फॉलो ए फिक्स रूट और पाथ। पृथ्वी इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति भी कहते हैं। द टोटल टाइम्स आवर अर्थ टेक्स टू कंप्लीट रेवोल्यूशन राउंड द सन इज कॉल्ड ईयर। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 1/4 दिन अर्थात एक वर्ष में पूरी कर लेती है, इसलिए पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट द अर्थ। पृथ्वी की गतियों का प्रभाव। Owing to the rotation, the earth we experience sunrise, sunset, day and night. पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हम सूर्योदय व सूर्यास्त दिन और रात का होना देखते हैं। Due revolution we experience change in season. In the previous class you have studied that the sun is also a star and that is stationary, but the earth is not
स्टेशनरी। परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं को बदलते हुए अनुभव करते हैं। हम पिछली कक्षा में यह भी पढ़ चुके हैं कि सूर्य एक तारा है और पृथ्वी के सापेक्ष में स्थिर है, लेकिन पृथ्वी पर पृथ्वी गति कर रही है। बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, गेट द रॉन्ग इम्प्रेशन दैट द सन राइजेज और सेट। चूंकि हम गतिशील पिंड पर निवास करते हैं, इसलिए हमें पृथ्वी स्थिर और सूर्य चलता हुआ प्रतीत देता है। यू कैन कंपेयर दिस फीचर विद इन जर्नी इन ए ट्रेन व्हेन यू फील द ट्रीज एंड हाउस और फील्ड्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, हाउएवर इन रियलिटी दे डू नॉट मूव। जिस ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से हम रेलगाड़ी में सफर करते हैं, तो हमें बाहर स्थिर पेड़ पौधे मकान तेजी से भागते हुए प्रतीत देते हैं। वास्तव में हम जिस वाहन में सफर कर रहे हैं वह गति कर रहा होता है। इन द सेम वे वी फील दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, इसी प्रकार हमें सूर्य पूर्व दिशा से उगता हुआ दिखाई देता है। रिमेनिंग ओवर हेड ड्यूरिंग द डे एंड सेट्स इन द वेस्ट इन इवनिंग वेयर इज एन रियलिटी हैपन्स बिकॉज द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जबकि वास्तव पृथ्वी के पश्चिम और पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हमें पूर्व में सूर्य होते हुए और पश्चिम में सूर्यास्त होता हुआ दिखाई देता है। डे एंड नाइट, दिन और रात, वी एक्सपीरियंस डे एंड नाइट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। दिन रात का होना पृथ्वी की दैनिक गति का परिणाम है। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, पृथ्वी को प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। व्हाइल द अर्थ रोटेट द फेस ऑफ द अर्थ रिसीविंग सनलाइट एक्सपीरियंस डे, व्हाइल द अदर फेसिंग अवे फ्रॉम द सनलाइट रिमेन इन डार्कनेस। इस घूर्णन के दौरान पृथ्वी का प्रत्येक भाग बारी बारी से सूर्य के सामने आता है, जिससे सूर्य के सामने आने वाले भाग जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां दिन, और पीछे वाले भाग जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहां रात होती है। द पार्ट एक्सपीरियंस नाइट अस अंडरस्टैंड डे दिस बाय एन एक्सपेरिमेंट। आइए इसे एक गतिविधि के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं।